Hello everyone, in previous video we started new chapter number 15 and we seen introduction of chapter number 15 and see what is the biodiversity and types of diversity. Today we will see the number of species found on earth as well as in India. According to International Union of Conservation of Nature and Natural Resources 2004, the total number of plant and animal species described so far is more than 1.5 million. ये जो है ना वो आपको याद रखना है. फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर 2004, नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऐसा आता है. तो उन्होंने फाइंड किया कितनी स्पीसीज है, 1.5 मिलियन. फॉर मैनी टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स स्पीसीज इन्वेंशरीज आर मोर कंप्लीट इन टेम्परेट देन इन ट्रॉपिकल कंट्रीज. टेम्परेट रीजन में ज़्यादा स्पीसीज से ट्रॉपिकल कंट्रीज से. अज्यूमिंग दैट अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज आर अनडिस्कवर्ड इन द ट्रॉपिक्स, कि ट्रॉपिकल एरिया में अभी ऐसी बहुत सारी स्पीसीज है जो अनडिस्कवर है. बायोलॉजिस्ट मेक अ स्टेटिस्टिकल कंपेरिजन ऑफ टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल स्पीसीज रिचनेस ऑफ एन एग्जिस्टिवली स्टडी ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स एंड एक्स्ट्रापोलेट दिस रेशियो टू अदर ग्रुप ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स. बायोलॉजिस्ट फाइंड कर रहे हैं, स्टेटिस्टिकली कंपेरिजन कर रहे हैं कि टेम्परेट और ट्रॉपिकल स्पीसीज रिचनेस में क्या डिफरेंस है. दिस लेड टू अ ग्रोस एस्टिमेट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज ऑन अर्थ रेंज फ्रॉम 20 to 50 million. राइट, कितनी स्पीसीज, 20 to 50 million. अ मोर कंजर्वेटिव एंड साइंटिफिकली साउंड एस्टिमेट बाय रॉबर्ट मे placed the global species diversity at about 7 million. कि रॉबर्ट मे करके जो साइंटिस्ट था उन्होंने ये जो स्पीसीज रिचनेस है उन्होंने बोली कि ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या है, 7 मिलियन. सो मोर देन 70% ऑफ ऑल स्पीसीज रिकॉर्डेड आर एनिमल वाइल प्लांट कंपेराइज नॉट मोर देन 22% ऑफ टोटल. सो अकॉर्डिंग टू दिस रेशियो वी कैन से मोर नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल ऑलमोस्ट 70% और प्लांट की कितनी है, सिर्फ 22%. इंसेक्ट आर मोस्ट स्पीसीज रिच टैक्सोनॉमिक ग्रुप इन एनिमल किंगडम मेकिंग मोर देन 70% ऑफ टोटल एनिमल. की 70% एनिमल है राइट, बट इंसेक्ट्स जो है वो एनिमल किंगडम के मोर देन 70% है. सो आप सोच सकते हो कि इंसेक्ट की स्पीसीज कितनी ज़्यादा है. इट मीन्स आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल 7 आर इंसेक्ट ऑन अर्थ. नंबर ऑफ फंजाई स्पीसीज इन द वर्ल्ड इज मोर देन अ टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज फिश एम्फीबियंस रेप्टाइल एंड ममल्स दैट वी विल सी इन दिस चार्ट. बट बायोलॉजिस्ट आर स्टिल नॉट श्योर अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ प्रोकैरियोटिक स्पीसीज लाइक प्रोटिस्टा और आर्किया बैक्टीरिया एक्सेट्रा. कि ये सारे स्पीसीज तो आप नेकेड ऐसे देख सकते हो और गिन भी सकते हो, काउंटेबल होते हैं. बट जो बायोलॉजिस्ट है अभी तक प्रोकैरियोटिक की कितनी स्पीसीज है क्या है वो कैलकुलेट नहीं कर पाए. फॉर एग्जांपल प्रोटिस्टा की, आर्की बैक्टीरिया की. राइट, यहाँ आपको दिया है चार्ट कि इन वर्टिब्रेट जो है वो इन वर्टिब्रेट की कितनी स्पीसीज है. इंसेक्ट मोलस्कस क्रस्टेशियन एंड अदर एनिमल ग्रुप जिसमें इंसेक्ट्स कितने हैं, ज़्यादा परसेंट है. इन वर्टिब्रेट्स देर आर
fishes, mammals, birds, reptile and amphibian, but feces is more. And in plant, fungi, mosses, ferns and alids, angiosperm, algae, lichen, ये सब में fungi ज़्यादा है और angiosperms भी ज़्यादा है. सो ये चार्ट में देख के भी आप बोल सकते हो कि invertebrates में सबसे ज़्यादा कौन है, vertebrate species में सबसे ज़्यादा नंबर में कौन है और plant में कौन है, right? सो दिस इज बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन कि क्यों बायोलॉजिस्ट अभी श्योर नहीं है डाइवर्सिटी ऑफ प्रोकैरियोट्स स्पीसीज के बारे में. फर्स्ट इज द कन्वेंशनल टैक्सोनॉमिक मेथड आर नॉट सफिशिएंट फॉर आइडेंटिफाइंग दिस माइक्रोबियल स्पीसीज. कि जो भी टैक्सोनॉमिक मेथड है वो सेटिस्फाइड नहीं है, सफिशिएंट नहीं है माइक्रोबियल स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने के लिए. सेकेंड, मोस्ट ऑफ द स्पीसीज कैन नॉट बी कल्चर अंडर लेबोरेटरी कंडीशन. कि बहुत सारी ऐसी स्पीसीज है वो लेबोरेटरी में नहीं ग्रो कर पाते हैं. थर्ड वन इज इफ मॉलिक्यूलर बायोकेमिकल क्राइटेरिया आर एडेप्टेड फॉर डेलिनेटिंग द माइक्रोबियल स्पीसीज दिस वुड पुट द डाइवर्सिटी इन टू मिलियंस. मीन्स के अब हम अगर मॉलिक्यूलर और बायोकेमिकल क्राइटेरिया को अडेप्ट करेंगे, मीन्स के वो फॉलो करेंगे, तो हम माइक्रोबियल स्पीसीज को माइक्रोबियल स्पीसीज जो है वो मिलियन में डाइवर्सिफाई होगी, राइट? सो बहुत सारे रीज़न है कि हम प्रोकैरियोट स्पीसीज को क्यों डाइवर्स नहीं कर सकते, मीन्स के क्यों आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ईजीली, राइट? सो ये हो गए नंबर ऑफ स्पीसीज फाउंड ऑन अर्थ. नेक्स्ट, इंडिया में कितनी स्पीसीज है वो हम देखते हैं. बायोडाइवर्सिटी फाउंड इन इंडिया, इंडिया हैज 2.4% ऑफ वर्ल्ड लैंड एरिया. इट्स शेयर ऑफ ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी इन इंप्रेसिव 8.1%. कि इंडिया के पास वर्ल्ड में जितना एरिया है उससे बहुत कम परसेंटेज है एरिया, 2.4%, और डाइवर्सिटी जितनी है उससे बहुत कम डाइवर्सिटी है, दैट इज 8.1% ओनली. इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. की वर्ल्ड में जो डाइवर्सिटी वाले जो जितने भी कंट्री है उसमें से 12 नंबर में इंडिया आता है. देर आर अबाउट 45,000 ऑफ प्लांट्स एंड ट्वाइस एज मैनी ऑफ एनिमल हैव बीन रिकॉर्डेड फ्रॉम इंडिया. ये बहुत सारे एनिमल भी हैं जो इंडिया से रिकॉर्ड हुए हैं, मीन्स के गिने जाते हैं, राइट? इफ वी अप्लाई रॉबर्ट मे ग्लोबल एस्टिमेट देन ओनली 22% हैव बीन रिकॉर्डेड. कि अगर हम रॉबर्ट मे ने जो एस्टिमेशन दिया है वो हम अगर देखें तो 22% स्पीसीज से रिकॉर्डेड है. इंडिया प्रोबेबली हैज मोर देन 1 लाख स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड 3 लाख स्पीसीज ऑफ एनिमल येट टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब्ड. कि इंडिया के पास 1 लाख जितनी जो स्पीसीज है वो अभी ढूंढने की, मीन्स के डिस्कवर करने की अभी बाकी है. 1 लाख स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड 3 लाख स्पीसीज ऑफ एनिमल, राइट? सो ये हो गई बायोडाइवर्सिटी फाउंड इन इंडिया. देन हम देखते हैं पेटेंट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. व्हाट आर द डिफरेंट पेटेंट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, डिस्क्राइब लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट्स. बायोडाइवर्सिटी इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड. बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो थ्रू आउट यूनिफॉर्म नहीं होती है. इट वेराइज विद द चेंज इन लैटिट्यूड एंड एटीट्यूड. कि बायोडाइवर्सिटी चेंज होती है अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड एंड एटीट्यूड. लैटिट्यूड मीन्स एरिया. फॉर मैनी ग्रुप ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स देर आर स्पेसिफिक कंडीशन. बहुत सारे प्लांट और एनिमल के लिए वो स्पेसिफिक कंडीशन रिक्वायर होती है.
because plants and animals are more diverse in area which are best suited for their survival. कि प्लांट और एनिमल को उसका जो सर्वाइविंग रेट है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, राइट. वट इज लैटिट्यूडल ग्रेडियंट्स, वो हम देखते हैं. The diversity of plant and animal is not uniform throughout the world, but show a rather uneven distribution. Right? कि plant और animal की diversity जो है uniform नहीं है पूरी दुनिया में, थोड़ी distribution type है. For many group of animals or plant, there are interestingly patterns in diversity. The most well known being the latitudinal ग्रेडियंट इन डाइवर्सिटी. इंटरेस्टिंग पैटर्न कौन सी है डाइवर्सिटी में? लैटिट्यूडल ग्रेडियंट्स. इन जनरल स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीज एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वाडोर ट्रावर्स द पोल्स. आपको ये रीजन पूछा जा सकता है कि स्पीसीज डाइवर्सिटी क्यों डिक्रीज होती है. जैसे जैसे आप इक्वाडोर से पोल की तरफ जाते हो वैसे वैसे, तो आपको नीचे वाला जो रीजन है वो लिखना है पूरा. With very few exception, tropic means ki latitudinal range of 23.5 north to 23.5 south harbor more species than temperate or polar area. बहुत सारी species वहाँ होती है temperate और polar area की जगह, means ki polar area और temperate area से ज़्यादा होती है species. Next, कोलंबिया लोकेटेड नियर द इक्वाडोर हैज़ नियरली 1,400 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स. न्यूयॉर्क 105 स्पीसीज ऑफ बर्ड. ग्रीनलैंड 56 स्पीसीज ऑफ बर्ड, राइट. तो आप देख सकते हो कि डिफरेंट एरिया में डिफरेंट स्पीसीज, डिफरेंट नंबर ऑफ स्पीसीज होती है. इंडिया विथ मच ऑफ इट्स लैंड एरिया इन द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स हैज़ मोर देन 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, राइट. अ फॉरेस्ट इन अ ट्रॉपिकल रीजन लाइक एक्वाडोर हैज अप टू 10 टाइम्स एज मैनी स्पीसीज ऑफ वास्कुलर प्लांट एज अ फॉरेस्ट ऑफ इक्वल एरिया इन टेम्परेट रीजन लाइक मिडवेस्ट ऑफ यूएसए. कि इक्वाडोर जो एरिया है वहाँ वास्कुलर स्पीसीज जो है वो यूएसए में जो स्पीसीज है उससे 10 गुनी ज़्यादा है. द लार्जली ट्रॉपिकल अमेजोन रेन फॉरेस्ट दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका दैट इज ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी ऑन अर्थ. इट इज होम टू मोर देन 40,000 species of plant, 3,000 of fishes, 1,300 of birds, 4 to 7 of mammals, 4 to 7 of amphibians, 3-7-8 of reptiles and of more than 125,000 invertebrates. कि Amazon rainforest है वो बहुत greatest diversity possess करता है, has the greatest diversity on earth, right? हमेशा बोल सकते हैं कि ऑल ओवर वर्ल्ड में उसी की पास बहुत सारी डाइवर्सिटी है, बहुत सारे एनिमल बर्ड्स का जो है वो हैबिटेशन है वहाँ. सो साइंटिस्ट एस्टिमेट दैट इन दिस रेन फॉरेस्ट देयर माइट बी एटलीस्ट 2 मिलियन इंसेक्ट स्पीसीज वेटिंग टू बी डिस्कवर एंड नेम. कि इतने इंसेक्ट तो है, कितने? बहुत सारे हैं, आपको यहाँ नहीं दिए हैं, बट अभी तो 2 मिलियन इंसेक्ट स्पीसीज तो डिस्कवर और नेमिंग करना बाकी है उसका. तो जस्ट इमेजिन के अमेजोन रेन फॉरेस्ट में कितने स्पीसीज डाइवर्सिटी हो सकती है, राइट. सो ये पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी में लैटिट्यूडल ग्रेडियंट्स है. नेक्स्ट,
Why tropics have greater biodiversity? So ecologists and evolutionary biologists have proposed various hypotheses. There are two hypotheses. Three hypotheses. First is speciation is generally a function of time, unlike temperate region subjected to frequent glaciation in the past. Tropical latitudes have remained relatively undisturbed for millions of years and thus had a long evolutionary time for species diversification, right? कि ये जो डाइवर्सिटी है, ट्रॉपिक्स हैव ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उसके उसका एक इम्पोर्टेंस है. क्या इम्पोर्टेंस है? कि जो फंक्शन है, फंक्शन ऑफ टाइम, अनलाइक टेम्परेट रीजन सब्सट्रेक्टेड टू फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन. ग्लेशिएशन मीन्स व्हाट? कि कंटिन्यू जो बर्फ गिरती है, राइट? वो बर्फ गिरने से, पास्ट में बर्फ गिरने से ये डाइवर्सिटी है, बनी है. ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स हैव रिमेन रिलेटिवली अनडिस्टर्ब फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स. की जो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स है, वहाँ जो भी था पहले वो भी अनडिस्टर्ब है अभी भी. एंड दस हैड अ लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम फॉर स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन. देन सेकेंड, ट्रॉपिकल एनवायरमेंट्स अनलाइक टेम्परेट वंस आर लेस सीजनल. ये जो ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल एनवायरमेंट होता है, उसमें जो टेम्परेट होता है, राइट, दैट इज लेस सीजनल. ऐसा नहीं है कि वो सीजनली होगा, लेस सीजनल है. चेंजेस नहीं होते हैं बहुत सारे एनवायरमेंट में. रिलेटिवली मोर कॉन्स्टेंट एंड प्रिडक्टेबल, कि कॉन्स्टेंट भी है और प्रिडक्टेबल भी है. दैट इज वाई सच कॉन्स्टेंट एनवायरमेंट प्रमोट नीच स्पेशिएशन. कि ऐसे जो एनवायरमेंट होते हैं वो नीच स्पेशिएशन प्रमोट करते हैं एंड लीड टू ग्रेटर स्पीसीज डाइवर्सिटी. एंड इससे स्पीसीज डाइवर्सिटी बढ़ती है. एंड देन देर इज मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन ट्रॉपिक्स. कि आपको पता है कि ट्रॉपिकल एरिया में सोलर एनर्जी ज़्यादा होती है, दैट इज़ वाई प्रोडक्टिविटी भी हाई होती है, higher productivity, and this in turn might contribute indirectly to greater diversity. और ये जो solar energy यहाँ available होती है, high productivity होती है, that is why यहाँ greater diversity होती है in tropic region, right? So ये है latitudinal gradients, right? I hope कि आपको समझ में आया होगा. एकदम इजी है. और उसके बाद स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप. ओके, यहाँ आपको चार्ट दिया है, चार्ट में अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा. देखते हैं हम. द ग्रेट जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ड्यूरिंग हिज पायोनियरिंग मीन्स वॉट? कि जब वो स्पीसीज एस्टेब्लिश कर रहे थे, कहाँ स्पीसीज डाइवर्सिटी देख रहे थे, तब एन एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन इन वाइडनेस ऑफ साउथ अमेरिका जंगल्स ऑब्जर्व दैट विद इन अ रीजन स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग एक्सप्लोर एरिया बट ओनली अप टू अ लिमिट. कि उन्होंने देखा, किसने? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने, कि साउथ अमेरिकन में जो जंगल है उन्होंने ऑब्जर्व किया और उन्होंने देखा कि स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज होती है जैसे जैसे एरिया इंक्रीज होता है, बट अप टू सम लिमिट. इनफैक्ट द रिलेशन बिटवीन स्पीसीज रिचनेस एंड एरिया फॉर अ वाइड वेराइटी ऑफ टेक्सा स्पेशली एंजियोस्पर्म्स प्लांट्स बर्ड्स बैट्स फ्रेश वाटर फिश टर्न आउट टू बी अ रेक्टेंगल हाइपरबोला. कि ये स्पीसीज डाइवर्सिटी स्पीसीज रिचनेस अगेंस्ट एरिया का हम अगर ग्राफ दौड़ेंगे कि कौन से एनिमल का प्लांट स्पेशली एंजियोस्पर्म्स बर्ड्स बैट्स फ्रेश वाटर फिश, इसका जो हम अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमको कैसा मिलेगा? रेक्टेंगल हाइपरबोला, राइट? ये आप देख सकते हो.
स्पीसीज रिचनेस अगेंस्ट एरिया का ग्राफ है, तो यहाँ ग्राफ आपको मिल रहा है log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a. s मीन्स स्पीसीज, s मीन्स स्पीसीज रिचनेस, c मीन्स इंटरसेप्ट्स, z फॉर रिग्रेशन कोएफिशिएंट एंड a फॉर एरिया, राइट. ऑन लॉगरिथमिकली स्केल द रिलेशनशिप इज अ स्ट्रेट लाइन डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन. यहाँ आपको स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है, राइट. ये स्ट्रेट लाइन जो ड्रॉ की है इसकी बात हो रही है. लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए, वेर एस मीन्स स्पीसीज रिचनेस, ए फॉर एरिया, जेड फॉर स्लोप ऑफ लाइन रिग्रेशन कोएफिशिएंट एंड सी फॉर वाई इंटरसेप्ट्स. सो इकोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड दैट वैल्यू ऑफ जेड लाइन इन रेंज ऑफ 0.1 to 0.2, कि जेड की वैल्यू क्या हो सकती है 0.1 to 0.2, रिगार्डलेस ऑफ द टेक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ ग्रुप और द रीजन वेयर इट इज द प्लांट इन ब्रिटेन. कि अगर हम प्लांट की बात करें ब्रिटेन में तो हो सकता है ये, बर्ड्स की बात करें कैलिफोर्निया के बर्ड्स की तो हो सकता है, एंड मोलस्क्स इन न्यूयॉर्क सिटी. द स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन आर अमेजिंग सिमिलर, कि ये जो स्लोप होंगे तो वो स्ट्रेट ही होगा. अगर हम ये ब्रिटेन के प्लांट की हम बात करेंगे, कैलिफोर्निया के बर्ड की बात करेंगे और न्यूयॉर्क के मोलस्क्स की बात करेंगे, तो स्लोप कैसा होगा, रिग्रेशन लाइन ही होगी, राइट. एक ही जैसा ग्राफ आएगा. बट इफ़ वी एनालाइज द स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, इफ वी एनालाइज स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप अमंग वेरी लार्ज एरिया लाइक एंटायर कंटिनेंट्स, वी विल फाइंड दैट द स्लोप ऑफ द लाइन टू बी मच स्टेपर, जेड वैल्यू इन द रेंज 0.6 to 1.2, कि ज़्यादा स्टेपर आएगा. ये स्ट्रेट है, पहले जो था वो स्ट्रेट है, राइट. बट ये अगर हम एंटायर कंटेनमेंट की बात करेंगे, पूरे एरिया की बात करेंगे, तो हमको जेड वैल्यू कैसे मिलेगी 0.6 to 1.2, क्योंकि ग्राफ कैसा है, स्टीपर, थोड़ा और क्रॉस, स्टीपर मीन्स त्रासो, राइट. फॉर एग्जाम्पल फ्रूजीवोरस मीन्स के फ्रूट ईटर्स, जो फ्रूट ईट करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड फ्रूजीवोरस बर्ड्स एंड ममल्स इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ डिफरेंट कंटिनमेंट, द स्लोप इज फाउंड टू बी 1.15, राइट. कि अगर हम फ्रूट बोरर्स और फ्रूट ईटिंग बर्ड्स को और ममल्स की बात करेंगे ट्रॉपिकल एरिया में, तो जेड की वैल्यू क्या आएगी 1.15, तो और ज़्यादा वो स्टेपर होगा ग्राफ, राइट. सो दिस इज द स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप. आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा. ये चैप्टर बहुत इजी है, अगर आप अच्छे से उसको समझोगे तो प्रॉपरली आपको अंडरस्टैंड आप होंगे, राइट. इफ एनी डाउट देन यू कैन आस्क अस इन स्कूल टाइम, एनी टाइम, ओके. In next session, we will see the importance of species diversity to the ecosystem, right? I hope you all are well understood this chapter, very important according to 3 marks. इसमें से 3 marks का question पूछा जा सकता है. और अभी हमने जो देखा patterns of biodiversity, there are 2 patterns, latitudinal gradients and species area relationship. So ये question maybe you have asked in board exam. So prepare according to. ओके, सो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी. टिल दैट थैंक यू.